आज हम बात करेंगे बॉल्डनेस, गंजापन की। अब जब ये हम टर्म यूज करते हैं तब हम बहुत एक वाइड स्पेक्ट्रम बात करते हैं। अब आज अगर आपने सोच लिया कि आज आपको गंजापन ओवरनाइट हो जाएगा तो ये बात सच नहीं है। तो गंजापन अलग अलग किस्म के आते हैं, जैसे फीमेल्स में जिसको हम फीमेल पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं, और एक सेकेंड होता है जिसे हम मेल पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं। ये दोनों बहुत अलग स्पेक्ट्रम्स पर चलते हैं, क्योंकि जब हम मेल पैटर्न हेयर लॉस की बात करते हैं तो मेल पैटर्न हेयर लॉस में सबसे ज्यादा हेयर लॉस मेल्स को जो दिखता है वो आपके सर के ऊपर ऊपरी भाग पर दिखता है और आपके साइड पीछे के भाग में दिखता है। मेल्स में अगर नोटिस किया होगा लोगों ने तो उनके साइड के जो हम वर्टेक्स का एंड कहते हैं वो हमेशा प्रिजर्व रहता है। और जहां पर हम फीमेल पैटर्न हेयर लॉस की बात करते हैं तो फीमेल पैटर्न हेयर लॉस में सबसे ज्यादा गंजापन हमको मिडिल पार्टिंग में दिखकर आता है और साइड में दिखकर आता है। तो ये दो प्रकार के इसमें आते हैं जिसे हम बॉल्डनेस कहते हैं या फीमेल पैटर्न या मेल पैटर्न हेयर लॉस कहते हैं। हेयर लॉस जब हम बात करते हैं तो हेयर लॉस नॉर्मल इंडिविजुअल में 50 to 100 हेयर गिरते हैं। जब वो 50 to 100 हेयर गिरते हैं उतने ही जल्दी से आपके वो हेयर फॉलिकल्स में वापस नए हेयर ग्रोथ दिखने आता है। बट जब हम बॉल्डनेस की बात करते हैं तो वही हेयर फॉलिकल्स आपके हेयर उसमें प्रेजेंट होते हैं, बट ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, जैसे आपके जेनेटिक हो गया, आपके हॉर्मोन्स का प्ले हो गया और आपके स्ट्रेस के वजह से आपको ये बॉल्डनेस दिखकर आता है। जो बॉल्डनेस बेसिकली दिखकर आता है वो है थिन हेयर, जो आपका एक नॉर्मल डायमीटर होता है बालों का, वो थोड़े टाइम के बाद वो एकदम पतले दिखने लगते हैं, जिसे हम फाइन हेयर कहते हैं। ये जो इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए और इजी बनाने में, सेम बाल आपके फेस में भी दिखकर आता है। अगर आप नोटिस करेंगे कि आपके बाल जब हम एक माइक्रोस्कोप में देखते हैं या आपको एक मैग्नीफाइंग लेंस यूज करेंगे तो आपको दिखकर आएगा कि सभी फीमेल्स या मेल्स में यहाँ पर भी नॉर्मली हेयर होते हैं। कोई भी पर्सन ऐसे नहीं जिनको बाल नहीं है, बट क्योंकि वो इतने फाइन है वो आपको नेकेड आई से दिखकर नहीं आता है। ये सेम जो है ये सेम आपके हेयर्स में होने लगता है आपके हॉर्मोन्स के वजह से। जैसे आप प्यूबर्टी रीच करते हैं आपके हॉर्मोन्स में एक तेजी से बदलाव आता है, और जब वो एक जेनेटिक कॉज, जैसे अगर आपके मदर के साइड में कोई हिस्ट्री है या आपके फादर के साइड में हिस्ट्री है बॉल्डनेस की, तो वो आप में ज्यादा दिखकर आता है। और ये ओवरनाइट नहीं होता है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है। और रीजन बीइंग कि आपके अगर फादर को बॉल्डनेस 40 इयर्स में दिखकर आया होगा तो आपको जल्दी दिखकर अभी आ रहा होगा। रीजन बीइंग कि हम इतने सारे पोल्यूशन, हमारा डाइट और हमारा स्ट्रेस उनसे 4 गुना बढ़ गया है, तो ये बॉल्डनेस आपको जल्दी दिखकर आता है as you can compare it with your parents. But अगर वो genetic predisposition है तो वो जल्दी दिखकर आएगा आपको। Secondly, अगर आपका nutritional deficiency है तब आपको वो baldness दिखकर आता है। Thirdly, अगर आप stressful period, जैसे females में अगर आप PCOD के हो, आप suffer कर रहे हो, जिसको हम आजकल PCOS बोलते हैं, अगर आप उससे है, आपके hormonal issues चल रहे हैं उसके वजह से आपको baldness दिख सकता है। मेल्स में अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो, स्पेशली वे प्रोटीन जिसको हम कॉमनली जो जिम जाते हैं उनमें कॉमनली दिखकर आता है, क्योंकि सब जगह पर मेल्स में जैसे टेस्टोस्टेरॉन वे में बहुत ज्यादा दिखकर आता है, तो जब आपका टेस्टोस्टेरॉन बॉडी में इंक्रीज होता है तो आपको बॉल्डनेस यहाँ पर दिखकर आती है। और उसी का फीमेल्स में भी यही प्रॉब्लम होती है कि वो टेस्टोस्टेरॉन लेवल जब बढ़ता है अलग अलग रीजन में, उनमें तो प्रोजेस्ट्रॉन की भी आप बात करें, टेस्टोस्टेरॉन भी कन्वर्जन रेट, बेसिकली जब फीमेल्स में, क्योंकि फीमेल्स में पीसीओएस चल रहा है तो उनमें मेल फैक्टर्स थोड़े ज्यादा दिखकर आते हैं। एंड इसी रीजन से आपको फेशियल हेयर दिखकर आता है फीमेल्स में, और यहाँ पर जो आपके जो बाल है सेंटर पार्टिंग जिसको हम कहते हैं बेसिकली, उसमें थिनिंग दिखकर आता है। और आप तो ये हो गए आपकी बॉल्डनेस की बात। जब आपके एक नॉर्मल हेयर फॉल जब आप बात करते हैं तो हेयर फॉल में आपको कहीं पर भी इतना ड्रामेटिक जो हम कहते हैं वो डिफरेंस नहीं दिखकर आता है। जैसे आपको कहीं पर गंजापन दिखकर नहीं आएगा, आपका जो वॉल्यूम है वो कम नहीं होता।
तो वो एक डिफरेंट स्पेक्ट्रम हो गया, बॉल्डनेस एक ऐसे स्पेक्ट्रम में हम क्लासिफाई करते हैं इन दोनों। जब आप गंजेपन को देखते हैं तो फर्स्ट चीज फर्स्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि ये रिवर्सिबल है, मतलब इसे हम ठीक कर सकते हैं। एक स्पेक्ट्रम पर चले जाए तो आप एक न्यूट्रिशनल स्पेक्ट्रम पर चले जाते हैं, और सेकेंडली आप जब आप एक डॉक्टर को देखते हैं और वो आपको मेडिकेशंस इसके लिए ट्रीटमेंट के लिए देते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जब होती है तो ये आपके हेयर ग्रोथ के में हेल्प करता है, और जब आप एक डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिकेशंस लेते हैं जो थिनिंग आपको दिक्कत आती है बालों पर वो रिवर्स करता है। अब जब हम मेडिकेशंस की बात किए जाए तो कॉमनली जो हम यूज करते हैं वो मिनोक्सिडिल फॉर्मुलेशन यूज करते हैं, बट जब भी कोई पेशेंट आपके पास हमारे पास आता है बेसिकली एक डर्मेट के पास, हमें हमेशा उनको याद दिलाना पड़ता है कि आपके हार्मोनल लेवल्स को ठीक करना सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली फीमेल्स में। जब तक वो हार्मोनल लेवल्स को इम्प्रूव ना किया जाए तब तक हेयर फॉल और हेयर थिनिंग को हम रिवर्स नहीं कर सकते। बट जहां मेल्स की बात आ जाए तो मेल्स में जब जेनेटिक प्रीडिस्पोजन होता है इस चीज के लिए, तब हम उन्हें नहीं कह सकते कि आप अपने जीन्स ठीक कर आ जाए, तो तब हमें उनको मिनोक्सिडिल प्रिस्क्राइब करना पड़ता है। बट विथ अनवॉर्निंग कि जब आप मिनोक्सिडिल यूज करते हैं तो आपको एक लंबे टाइम तक उस ट्रीटमेंट को फॉलो करना पड़ता है। रीजन बीइंग कि जैसे ही आप ये फॉर्मुलेशन को बंद कर दे तो विद इन 3 months to 4 months जो आपने हेयर गेन किया है वो रिवर्स हो जाता है। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ही हम ये ट्रीटमेंट आपको सलाह देते हैं। ये आपकी बात हो गई मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंडली जब आप प्रोसीजर्स की बात करते हैं तो हमारे पास PRP प्रोसीजर्स है, हमारे पास डर्मा रोलर्स की प्रोसीजर्स है, तो ये सब आपके न्यूट्रिशनल और हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है। अब PRP क्या है? PRP बेसिकली प्लाज्मा रिच ये है, तो जो आपके ब्लड हम कलेक्ट करते हैं जो उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में हम उसको प्रोसेस करते हैं, तो उसमें से जो प्लेटलेट्स होता है जो आपके ग्रोथ फैक्टर्स होता है उसमें बेसिकली उसे हम एक सिरिंज में लेकर आपके हेयर फॉलिकल्स में इंजेक्ट करते हैं। तो ये आपके हेयर ग्रोथ आपके हेयर फॉल को हेल्प न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर ये रिवर्स करता है। थर्डली जब हम डर्मा रोलर्स यूज करते हैं PRP के साथ, अगेन डर्मा रोलर्स का काम ये होता है कि डर्मा रोलर्स एक न्यू प्रोसेस एक न्यू पोर क्रिएट करता है आपके स्कैल्प पर, तो जब हम उसको PRP इंजेक्ट करते हैं उसके ऊपर तो वो अब्सॉर्प्शन इंक्रीज कर देता है। ये सेकेंड पर्सपेक्टिव हो गया ट्रीटमेंट के लाइन में। तो एक होता है मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू जहां पर हम आपको या तो ओरल मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं या टॉपिकल एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं, और सेकेंड होता है जो आप प्रोसीजर्स करते हैं जहां पर आप PRP कर लिया, आपने डर्मा रोलर्स कर लिया, और थर्डली जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपका न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और न्यूट्रिशनल गाइडलाइंस बेसिकली। अगर हम प्रिवेंशन की बात करें बॉल्डनेस की, एकदम ही रिवर्सिबल कंडीशन होते हैं ये, और अगर आपने राइट टाइम पर ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है तो आपको रिजल्ट्स भी जल्दी दिख कर आते हैं, बिकॉज जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है उतना ही एज आपके हेयर फॉलिकल्स का भी बढ़ता है, तो जितने जल्दी आपने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया उतना बेटर रिजल्ट रहता है। सेकेंड होता है कंसिस्टेंसी विद द ट्रीटमेंट, तो जितना आप कंसिस्टेंट है अपने ट्रीटमेंट के साथ उतना आपको रिजल्ट्स भी दिख कर आता है। बॉल्डनेस अगर आपके हॉर्मोन्स आपके जेनेटिक और आपके न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के रिलेटेड है तो वो कम्प्लीटली रिवर्सिबल कंडीशन है, उसके लिए आपको सिर्फ राइट नॉलेज और राइट गाइडेंस की जरूरत है। बट अगर आपका कहीं पर भी बॉल्डनेस ड्यू टू सम अदर कंडीशंस है जैसे मैंने मेंशन किया जिसे हम सिकेट्रिकल एलोपेशिया भी बोलते हैं, तो अंडरलाइनिंग डिजीज को कंट्रोल करने के बाद हम रिजल्ट्स देखते हैं, बट अगेन वो नॉन रिवर्सिबल बॉल्डनेस पर चले जाते हैं। तो उसमें भी सही टाइम पर आपके डॉक्टर को मिलना और उनसे गाइडलाइंस लेना और उनसे गाइडेंस लेना इम्पोर्टेंट है।